Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, you should be ready to plant your smile with lots of positiveness. You should support a smile. Peace. Friends, today we have Dhananjay Kapoor. He's an actor, director, writer. ओवरऑल मास कम्युनिकेटर और वो इतना सब कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए ये सब कुछ हम उनसे चल के खुद ही पूछ लेते हैं, आइए। और इसलिए हमने डिसाइड किया है दैट वी विल गेट अ न्यू पर्सन ऑन बोर्ड टू फिक्स दीज इश्यूज। यस सर, उसे अंदर भेज। हाय, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से हूँ। ओके, पहले जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, खैरियत जी। आपको हमेशा हम स्क्रीन पे देखते हैं और ऐसे देख के इतना अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, सो नाइस। और आपने दो दिन पहले मैं एक आपका एक ये प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आपने हिंदी में वेलकम को क्या कहते हैं पूछा था। हाँ जी, क्या कहते हैं? स्वागत है आपका। स्वागत है। हाँ, एक गाना भी है ना, स्वाग से करेंगे सबका स्वागत। जी, स्वाग से। All right, जी हाँ बिल्कुल। That is a recent song. स्वागत है आपका। हाँ, यस यस, सो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्माइल विद समीरा अजीज में। थैंक यू। आप में और मुझ में एक चीज जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर है। आप बताएं, आप में और मुझ में क्या चीज सिमिलर है? क्या चीज सिमिलर है? कोई अगर हमारे सिमिलर है, यस, एक चीज अच्छा मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ, आपको कि किस चीज में सिमिलर है। हाँ, मैं क्लियर आ रही हूँ जी? मैं क्लियर आ रही हूँ? हाँ बिल्कुल। या क्लू वर्क, काम में, वर्क काम में। वी आर लाइक रेनबो, इज इट? जी रेनबो। आप भी मास कम्युनिकेटर हैं और मैं भी मास कम्युनिकेटर हूँ। राइट। और हम बहुत सारी चीजें करते हैं। I've seen your profile on Wikipedia, and और मुझे आपकी profile इतनी दिलचस्प लगी। I mean, आप इतनी चीजें मैनेज कैसे करती? साथ में आप PhD भी कर रहे हो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और हैव यू कम्प्लीटेड इट ऑलरेडी? मैं असल में जो मेरे जो थीसिस हैं वो हैं सऊदी अरेबिया में उर्दू पे, उर्दू सऊदीज में, और उस पर मैंने ऑलरेडी असल में 11-12 साल से ऑलरेडी वो काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं ऐसे 100 सऊदी खानदानों को सामने लाई हूँ जो उर्दू जानते हैं, उर्दू बोलते हैं और शायरी की हद तक समझते हैं, जैसे जिस लेवल पे मैं बोल रही हूँ इस तरह के। वो सारे सऊदी खानदान और लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, क्योंकि लोगों को सऊदी अरेबिया इतना खुला कंट्री नहीं था, लोगों को नहीं मालूम था, और यहाँ के लोगों को आती भी थी उर्दू तो इजहार नहीं करते थे। तो उनमें मैं वो फैमिलीज को सामने लाई हूँ तो लोग सरप्राइज होते हैं। तो ये चीज है। मैंने जब आपकी प्रोफाइल पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा कि आप मेरी इंटरव्यू मैं मेरे 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 जहन में इतने सारे सवाल उठने लगे थे कि समीरा ये कितने सालों से हिंदुस्तान को जानती है, इतनी प्यारी जुबान है आपकी, इतनी अच्छी तरीके से आप हिंदी भी बोल लेती हैं, उर्दू भी बोल लेती हैं, और यहाँ की जगहों को, यहाँ की संस्कृति को,
आप इतनी अच्छी तरीके से जानती हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रैवलिंग टू इंडिया? मेरे ख्याल में 25-26 ईयर्स से. ओह माय गॉड. क्योंकि मैंने वहां से पढ़ा भी है, मैं लाइव वायर्स में फिल्म मेकिंग पढ़ती थी, और मेरा था कि जब मैं जाती थी ना तो मैं ज्यादातर पब्लिक में ही घूमती थी, ट्रेन में जाके बैठ गई और कोई ना कोई वापस होटल छोड़ देता था, तो इस तरह से. और यू नो मिस्टर गांधी, या एब्सोल्यूट, यू नो मिस्टर महात्मा गांधी जी जब आए थे साउथ अफ्रीका से, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया ही आल्सो ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. या और he traveled the entire country by train. मैं वहां पर, मेरी फ्रेंड्स बन गई थी, हम उनके घर जाके खाना बनाते थे, दाल बनाते थे, और फिर मैं वैसे ही बर्तन खरीद के लेके जाती थी कि नहीं वो इसमें बनाती है तो मैं भी उसमें. तो बहुत अच्छा लगा. और, मैंने और दिवाली बनाती हूँ, होली बनाती हूँ, सारी चीजें उनके साथ. इतनी डायनेमिक पर्सनालिटी and coming from a land which is so closed, inherently it is closed, but you have a personality which is so vibrant, which is so open, which is so affable. It's amazing, Sameera. I am so happy to be on your show. Thank you so much. It's my pleasure. But I have to tell you that you are amazing too. You are amazing too. Aapki jo hai, maine yahan par profile dekhi, and wow, aur jo aapki short film hai, I saw it. So oh, you saw that one. You are a director, you are a writer, and film editor bhi hain aap, which is really very good, you know. Ye mujhe nahi aata, film editing nahi aati mujhe. You are a creative director, executive producer, and also actor. Main ek ek one by one puchungi aapse sab cheezon ke bare mein. Sabse pehle aap kya the? What was your beginning as a writer, I guess? ओके जी, फिर से पूछिए, थोड़ी क्लियर नहीं आई आवाज. मुझे लगता है कि सबसे पहले आप राइटर बने, ऐसे ही है? यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड. और मेरी वाइफ ये देख रही है, मेरी वाइफ ये प्रोग्राम देख रही है, मगर मैंने एक अपनी क्लास की एक लड़की थी, उसके लिए मैंने ये एक शेर लिखा था. So I had turned a writer. I had turned a writer when I was in 8th standard, and then I had been writing, but I was not very sure what kind of a writer I would be. और अभी भी मुझे नहीं मालूम मैं क्या लिख सकता हूँ. मैं कभी poetry लिख लेता हूँ, कभी कहानी लिख लेता हूँ, कभी non-fictional भी लिख लेता हूँ. तो I don't have any parameter because I'm not a student of literature. I'm a student of math. Of science, mathematics. And magar I just love pouring my thoughts on paper, because I'm not very good at sharing with people unless I'm very confident. Unless I'm very confident, main bebaak ho karke apni cheezon ko nahi keh sakta. So I think that is the thing with most of the writers. They put their thoughts on paper, they put their emotions on paper when they are not able to share it with anybody. So probably me being a little introvert at times with my emotions, isliye main writer ban jata hu kabhi. Aur jab koi ehsaas aise ho jate hain jo pure zehen mein utar jate hain, to actor ban jata hu. तो जस्ट लेट मी नो अबाउट, आपने सारे जो फिल्में डायरेक्ट की, आपने उनको खुद ही लिखा भी, और एक राइटर ही अपनी फिल्म डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से डायरेक्ट कर सकता है, सो उसके बारे में बताएं. जी जी, मैं एज फार एज आई ऑलवेज टेक अ राइटर, स्पेशलिस्ट राइटर फॉर माय जॉब. मैं एक स्पेशलिस्ट राइटर, चाहे वो उर्दू में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी जुबान में हो, मैं वो एक राइटर जरूर रखता हूं, मगर उसका फ्रेमवर्क मैं, उसकी शुरुआत में, उसके एंड, उसके जितने तारे वो स्केलेटन पूरा तैयार कर देता हूं. इट्स लाइक आर यू देयर?
हाँ जी समीरा वर यू जी देयर, जी इट वाज वेयर डिड यू पॉसिबल लूज या मी, जी जी वेयर बिल्कुल डिड यू लूज हाँ मी? हाँ आप बता रहे थे एज अ राइटर कि आप किस तरह से अपना करते जी हैं जब आप सो स्क्रिप्ट डायरेक्ट करते या हैं। तो मैं वो स्केलेटन जो फ्रेमवर्क है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स हैं, उसमें जो ट्विस्ट्स हैं, उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं तैयार कर देता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर ऑफ व्हाट आई वांट, एंड देन आई गेट अ राइटर ऑन द बोर्ड, और फिर उसमें वो मोती डालने शुरू करते हैं अच्छे सुनहरे अल्फाजों का, एंड देन वी बेक इट अप लाइक यू नो, बिकॉज आई बिलीव दैट सिनेमा इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट. आई एम एडिटर बट आई ऑलवेज कीप एन एडिटर विथ मी. आई द शॉर्ट फिल्म दैट यू सॉ द 924 लोकल, इट इज कंप्लीटली शॉर्ट बाय मी. It is completely shot by me. Nobody wanted to enter that local train of Mumbai with me, with the camera. तो मैंने खुद ही शूट किया इसको, बट या उसको खुद ही शूट किया, बट आई ऑलवेज कीप माई यू नो माई सिनेमेटोग्राफर एडिटर राइटर ऑलवेज देयर, बिकॉज क्योंकि वो बंदा जो है ही विल ब्रिंग समथिंग ऑन द प्लेट एंड इट विल मेक द यू नो थिंक बेटर देन वॉट आई हैव इमेजिन. आई ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम माई collaborative partner. So I really think cinema is very collaborative in nature. It's a very personal art form, no doubt about it. मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ जब दो डायरेक्टर एक फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, तो आई डोंट नो हु स्टेयरिंग द बोट, बट सो इट इज अ वेरी पर्सनल आर्ट फॉर्म, बट यस बट इट इज वेरी कोलैबोरेटिव एज वेल. एंड सो सो अ डायरेक्टर हु इज बेसिकली आई से अ चीफ एडिटर ऑफ आइडियाज, so he has to personally see what ideas he has to pick up from the writer, from the actor, from the editor, from the lyricist, from the executive producer, from the producer, from the creative directors of the studio, whatever. The ideas would come in from every angle, from every department. From my hot boy can actually bounce the idea to me. I'm very open to that. But what to keep and what not to keep. Even I sacrifice my darlings, you know, my most, you know, if I have shot something with a lot of pain, or even if I have written something after, you know, after spending like days together, if that needs to go because it's just a fat and it's not taking the story further, I have to, you know, sacrifice my darlings. I must. So that's how I go about it. अच्छा, ये जो आपकी शॉर्ट फिल्म थी, आप उसने खुद ही उसकी आपने उसकी फिल्मिंग भी की, लिखा खुद, और आपको फिर उसमें अवार्ड मिला, राइट? Right, that's right. That was my very first film. That was my very first film. It took me 2.5 years to shoot it. You know that? हाउ It's only 5 minutes and 45 seconds. Yeah, it's only five and a half odd minutes. But it took me 2.5 minutes because I always thought there is a story in this local train, and that needs to be told. But how should it be told? You know, you in a circumstance, in a situation like that, you put a cinematographer and you put an editor, you will get a story. There's no big deal about it because there is so much happening in local train. You will get that. But where is the director? So I was looking, I was shooting that for 2.5 years, and then unfortunately that incident happened, which I showed towards the end. And there I got the idea that this is where the director would come in. And that's why where I roped in that one actor and put him in the entire situation and turned that documentary into a fiction. It's actually a style which was developed by this Danish filmmaker, and it's called I'll tell you the name of this style of filmmaking. It follows basically seven principles that you have to shoot it live. You have to can you cannot manipulate sound, you cannot manipulate light, you cannot have a script. And you cannot instruct the actor. You have to use live sound. So it has got that's it's called Seven Vows of Chastity. So it is based, it's called Dog, sorry, I got the name. It's Dogma Films. So it is a dogma film, but
when I sent it to Lars von Trier, he actually developed this style of filmmaking as a Danish filmmaker. He said that, Dhananjay, you have shot it according to our principles, but we only give a Dogma certification feature for a short film. I can't give it to you, but I really appreciate your effort. I replied to him that since I could tell this story in less than 6 minutes, why should I spend 70 minutes on it just to get a certification? It would be, you know, I have got more than, I think I must be having more than, in 2.5 years, I think I must be having 70 hours of footage. Okay. And then you edit it all by yourself? No, I had an editor. Yeah. I always have, because I like, I had an editor. I must give him the credit. His name was Gautam. Uh-huh. Gaurav Sharma. Uh-huh. And I have been looking for that actor, for that editor, ever since after that. I don't know where he has disappeared. So in case he's seeing this show, he should contact me. he did a brilliant job of editing 70 hours of footage, putting it together into we came to like an hour, then 40 minutes, 30 minutes. And then, because my idea was very clear in my mind. And then we finally came to 5.5. In fact, maine ek 2.5 minute ki bhi cut banayi thi, which went to BBC. And it was among the top 5 films of BBC that year in that competition. Oh. Okay. So that was the beginning of my journey. This film was the beginning of my journey as a filmmaker. Uh-huh. And how's your Dilli Wali Ladki? Kaun si? Dilli Wali Ladki. Dilli Wali Ladki was also yours. Aapki koi film thi, like it was Dilli Wali Ladki. Something kuch is tarah se tha. No. That was no. I shot a film in Delhi for Commonwealth Games. Are you referring to that? I think. Are you referring to that? Yeah. That might be, because that was shot for Government of Delhi during the Commonwealth Games. So I had taken a couple of actors who were from. One was from Scotland. The other was from England. Okay. And. I was working on a story like that, but it didn't happen. So where did you read it? I have not published it anywhere. How did you go into my personal notes? Yeah, I was trying to work out something, but it didn't materialize. Okay, tell us something, any unforgettable koi bhi incidents jo aapko yaad ho, any unforgettable incidents related to filmmaking or personal? Filmmaking. There are many. I'll tell you two. आपने वो शॉर्ट फिल्म देखी राइट? उसमें जो एक शॉर्ट्स हैं जो मैंने मतलब ट्रेन ऐसे पास कर रही है एंड इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 70 और 80 एंड आई हैव टेकन दैट शॉर्ट लीनिंग आउटसाइड यू नो एंड व्हेनेवर माय मदर सीज इट Whenever my mother sees that film, she is like, "Oh my God, I would have lost you." And actually, you know, sometimes ignorance is bliss. Because मुझे भी नहीं मालूम था मैं कितनी बड़ी रिस्क ले रहा हूँ जब तक until I heard a couple of incidents where some of the people actually lost their life taking shots like that. So God was very merciful, and He saved me. And then when I did that small film, very 30-seconder that I did, which is very, very, it's a miniature jewel in my showreel, which is about saving water. Mm-hmm. Have you seen that film, Saving Water? Uh-huh. That little kid. Yeah. So, you know, that both these, that one is an actor. The one who's acting as the father is an actor. But that little kid is from a village where I shot it in the, which is also a, island near Bombay, which is called Alibag. So she is like 2.5 years old, not very old. And it was very hot. And I decided that I would take the kid from the village because it has to look authentic. The village kids are different from the urban kids. So I didn't plan to take anybody from Mumbai, no actor. Or wahan hame wo ladki mili. And we've shot everything. But we were not able to get her shot because she was crying. She was not standing still.
नेक्स्ट टू द फादर विद दैट ग्लास ऑफ यू नो विद दैट टम्बलर स्टील टम्बलर, वो खड़ी नहीं हो रही थी. और मैंने बोला कि ये तो यार मतलब सूरज ढल जाएगा, सूरज उस तरफ चला जाएगा और वी विल नॉट बी एबल टू गेट द शॉट. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी जस्ट, वहां पे एक कैंडी वाला जा रहा था और उसके पास वो ऑरेंज कैंडी थी, तो उसकी नजर ऐसे घुसी घूमी तो मैंने देखा ये ऑरेंज कैंडी वाला उसको पसंद है, तो मैंने उस ऑरेंज कैंडी वाले को उसके सामने खड़ा कर दिया. एंड शी स्टेयरिंग स्टेयरिंग एट द ऑरेंज कैंडी वाला. ओके. एंड शी इज स्टैंडिंग स्टिल एंड शी इज क्राइंग, यू नो. और वो जो ऐसा बूंद जो ऊपर से टपकता है, तभी मैंने उस बूंद को टपकाया एंड शी ऑलमोस्ट लिक्ड एज इफ शी इज लिकिंग द कैंडी. ओके. वाओ. सो आई थिंक मतलब हमारे पास अगर वो शॉट अगर 10 मिनट तक नहीं मिलता समीरा, देन माय फिल्म माय एंटायर यू नो एफर्ट वुड हैव गॉट वेस्टेड. सो दैट वाज लाइक that was something which was like you know I was just at the edge of you know my patience my nerves everything and just then the candy wala came like you know a messenger and he saved my life. bilkul farishte ki tarah hua, bilkul farishta ban ke aaya aur maine uski nazre dekhi aur mujhe laga ki ye candy wala zarur har din isko candy deta hai aur fir humne usko bahut sare candies diye. So, okay, tell us, and she and she looks so authentic. She looks so authentic, isn't it? Yeah. And tell us about something. Sonu ke Tito ki Tweety, Sweetie. No. Sonu ke Sweetie ki. Sonu ke Tito ki Sweetie. वो मेरे ख्याल से दिस नेम एक्चुअली मेड सच अ यू नो वाज अ सच अ क्लटर ब्रेकिंग फॉर द फिल्म. ये नाम कैसा है यार, और फिर स्टोरी भी बड़ी उसकी अलग ही सी थी. आई थिंक लव रंजन डिड अ फैंटास्टिक जॉब देयर. I was called just a couple of days before. He said, we are looking for an actor who could just portray this role. He has to look like father, this. And Mr. Ranjan has liked your profile. Could you just come over for a small audition? And he would be there. So I said, all right, so let me come. And the other day, he was shooting. And it all happened within 3 hours, from 12 o'clock at night to 3 in the morning. And I had never played a comedian comical role before this. And this was my first comical role. And I had to act like a stingy father. And the best part was I liked Love Ranjan, the way he directed. He's very cool. He's very calm. He hardly directs an actor when he knows that actor knows his job. Yeah. And Karthik Aryan, he had to give that whole spiel, lambi chaudi, you know, in that one take he had to give. And he said he was just going on and because wo kafi lambi spiel thi, that was another USP of that, probably the first scene, where he had to go and give some, you know, 2 minutes or 3 minutes of one spontaneous, one take, which was very difficult to give. And he gave that and I kept standing there. And I realized that he has in him to become a good actor, and he proved himself in this film after that as well. But for me, the challenge was I had always been portrayed as a serious actor. और अचानक ये ऐसा comical role दे दिया, वह फुद्दू जैसा मुंह बनाना है. And how do you do that? And you have to get it right. It happened, and I never knew that would be the opening scene of the film. मगर वो सबसे पहला scene था. ठीक है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस भी मिला. अब तक आपने और कोई ऐसी स्टोरी लिख के रखी हुई है जो विच यू वांट टू मेक इट एंड यू वांट टू एक्ट इट आल्सो एज अ डायरेक्टर राइटर एंड एक्टर, कुछ ऐसा है? आई हैव एक्चुअली गॉट आपने मेरे दिल की बात जुबा पे आपने ले आई. आई हैव वन विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. In fact, there are two.
एंड दीज आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स. सो वेर आई वुड लव टू पोर्ट्रे दैट एज एन एक्टर. मैंने उसके किरदार को इतना समझ लिया है क्योंकि वो स्टोरी करीब मैं 2.5-3 साल से लिख रहा हूँ. वो मेरे जहन में बैठ गई, वो किरदार मेरे जहन में उतर गया पूरा. और अगर मैंने कर दिया तो बहुत अच्छा, मतलब आई वुड लव दैट. इफ द स्टूडियो सेज नो वी यू डायरेक्टेड एंड वी विल हैव समबडी एल्स टू एक्ट इट बिकॉज देन आई एम ओके विद दैट एज वेल. बट आई डोंट नो वेदर द एक्टर वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. और वहां थोड़ी एक लड़ाई होगी जरूर बिकॉज मेरे अंदर का एक्टर जो है वो कूद कूद कर बाहर आएगा. मगर बट आई एम रेडी आई बिकॉज it's very difficult to act and direct at the same time. Yeah, true. It's very difficult. Those were the days of Gurudutt, Raj Kapoor, you know. We don't have that, studios with that mindset anymore. It's not that easy. It's not easy. And I would okay with, I'm okay with that. If they find that they need somebody, to act and he would be able to bring the more success to the box office, that's also fine. But I would love that. There is one film which is actually not very commercial in nature, but it is very, very, the message is very strong. Aur wo film mere khayal se aane wale agle 20-25 saal tak chalegi. So even if I just make it for Netflix or Amazon Prime, I'm okay with that because it is not a theater release kind of a film. It is more of a cinema which is going to, which is going to be an intellectual property for the next 20 years. अब तो वैसे भी सिनेमास का तो पता नहीं क्या होगा एक साल. We don't know, अब तो वैसे ही Netflix और सारे OTT प्लेटफॉर्म ही है जो भी है ऐसा लगता है. Right. अभी तो इंडिया, yes, you are right. For the next 7-8 months at least, 7-8 months till we get the inoculation for COVID. जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता, I think nobody will feel very confident about going and sitting with, 350, 400 people. Yeah, breathing in the same space. Mm-hmm. बिल्कुल. So most of the films will be released on OTT. अभी आ रही है आयुष्मान खुराना की और मिस्टर बच्चन की फिल्म, that is getting released on OTT. I think it's Netflix or Amazon. I don't know which one it is. मगर वो रिलीज तो हो रही है. So आने वाले कुछ फिल्में अभी कुछ महीनों तक तो रिलीज होंगी. एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स एंड ऑल इज गोइंग टू मेक एवरी हाउस अ थिएटर. सी द कन्वीनियंस यू हैव इज अमेजिंग. यू कैन वॉच इट एट योर टाइम. नाउ एवरीबडी हैज गॉट नथिंग लेस देन 60 इंचेस टीवी, which is really big, and it's convenient to watch. Then you can stop it, pause it at any point you want. But the cinematic trance is what we are going to miss. The when you go in that trance, in that dark space, which is actually what makes cinema, and you forget even who's sitting next to you, whether it is children, your wife, and all. That is one thing that we are going to miss if everything is going to be on OTT. लोग उसको वापस से मिस करेंगे 2 साल के बाद, मुझे लगता है 2022 तक फिर वो रिवाइव होगा. बिल्कुल. If you remember that satellite and VCR, VCP का जमाना, which was there in 90s, 80s, 90s, VCR चलते थे, VCP चलती थी, फिर DVD आई, फिर LDs आई, people were watching everything on TV. फिर एक दौर चला, वापस पीपल केम बैक टू द थिएटर्स, सिनेमा स्क्रीन्स. फॉर द लास्ट 15 इयर्स वी हैव बीन डूइंग दैट सिंस 2005, एंड नाउ अगेन मे बी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस वी विल हैव अ लिटिल पॉज, बट लाइफ कम्स इट फुल सर्कल. इट हैज टू टेक अ फुल सर्कल. मेरी अपनी है 3 फिल्में जो मैंने वहां पर बॉलीवुड में और सऊदी अरेबिया में शूटिंग के लिए, और उनका प्री प्रोडक्शन वगैरह का काम चल रहा है. या आई हर्ड दैट. या मुझे मैंने पढ़ा कि आपकी आप फिल्म मेकर भी हैं. या और 2 हमारी सऊदी फिल्में भी हैं, और उनमें से उन दोनों फिल्मों में मैं ही हूँ, राइटर भी मैं ही हूँ और डायरेक्टर भी. इसे मैं कहती हूँ हम दोनों में चीजें बहुत कॉमन है. एक में मैं गूंगी बनी हूँ. तो
और अभी एक की शूटिंग थी और उसके एक्टर्स अभी यहाँ पर ऑनलाइन भी है, मैंने उनको देखा, हमारी हीरोइन भी ऑनलाइन है। और वो जो आप कह रहे थे ना कि बहुत हमारा फोटो शूट था उसी फिल्म के लिए, तो मुझे, मैं अपनी हीरोइन को सही से टाइम नहीं दे सकी, मुझे इतना वो रहा क्योंकि मैं उस फिल्म में एक्टर भी हूँ, उस फिल्म में मैं वैम्प हूँ, तो मेरा अपना जो है ना सही से मैंने, और मेरी हीरोइन इतनी हम्बल सी, प्यारी सी, क्यूट सी, खुद ही तैयार होके ना, एंड सुन रही होगी वो, एंड लेकिन मुझे लगा कि या यू आर राइट कि जब एक डायरेक्टर खुद ही एक्टर भी हो ना तो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे आपको रोल उसमें करने पड़ते हैं, इट्स रियली चैलेंजिंग, एंड आई डोंट नो हाउ आई विल डू दैट। यू विल डू इट, कॉल मी देयर, या कॉल मी देयर, आई विल बी योर असिस्टेंट। समीरा मैम इज ऑल इन वन, या ओह शी यस, आंसरिंग, शी इज द हीरोइन हमारी, यू आर वेरी डायनेमिक, तो वेरी डायनेमिक। अच्छा, एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी आपने बहुत काम किया है, लेट अस नो अबाउट दैट। सी, बट व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर जे वॉल्टर थॉमसन इन द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यू बिकम एन एजेंसी प्रोड्यूसर व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, यू हैव टू, सो आई मस्ट हैव प्रोड्यूस्ड समथिंग लाइक 350 ऑड टेलीविजन कमर्शियल्स as an agency producer, and then for Battle Boggle Haggerty, that was another one, where I was heading the, I was national head of production for India. Then I joined a couple of production houses where I had taken up the mantle of an executive producer as a chief operating officer. So I, it was also very challenging because I had, you one has to see entire thing right from the beginning till the end. How to sell the, because I was on this side of it, I was not with the agency, so I have seen it, like how to sell the treatment of a director. I had like a panel of directors who I had to, like, you know, even you can say market or sell, and get the treatment done by them, understand what is the agency looking for or what is the client looking for, and go about selling their treatment, getting the thing done, getting the shoot done within the time, within the budget, while maintaining the quality and delivering it to the client despite of all the challenges, and getting the check back in, you know. So that was also very challenging. I did it for like almost 5 years for JWT, 1 year for that, 7 years as an executive producer. So that was very challenging because I, ये कुदरत ने मुझे अलग अलग मौके पर अलग अलग चीजों को समझने का एक मौका दिया है. It wasn't that I was very happy being an executive producer. It wasn't that I was very happy being production agency producer or something, because these are the, or a production assistant. मगर ये जो जॉब है, ये आपको हर तरीके से समझने के लिए कि ये क्राफ्ट जो है, ये जो यू नो दिस दिस ह्यूमंगस क्राफ्ट, यू नो, चाहे वो एक छोटी सी आप एड फिल्म बनाओ, चाहे वो आप बड़ी हॉलीवुड फिल्म बनाओ या बॉलीवुड फिल्म बनाओ, आपके सपोर्ट सिस्टम्स उतने ही रहते हैं आपके ऊपर. ठीक है, नंबर ऑफ डेज टेंशन आपके आपकी बढ़ जाती है. एक एड फिल्म बनाते हो तो 15, 20, 25 डेज. When you make a feature film, it goes in from 6 months to 9 months, probably a year and a half. Sometimes when you are making with very ambitious director who do a lot of pre-production, it may go up till even 2.5, 3 years. So, but you have a lot of support system when you're doing a feature film. You have lesser support system when you're doing a smaller film. But the, but the amount of talent that is required is same. You have to know your craft. You have to know who's doing what and what you want from other person. And executive, being an executive proper producer, just taught me that how do you manage the various creative people and yet make the director feel comfortable that he is in control. If the director at any point of time, agar usse kahin bhi ye mehsoos ho gaya, uske zehen mein ye baat baith gayi ki wo nervous ho raha hai, तो आपका ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि वो अपने क्रिएटिव, जो उसके जो क्रिएटिविटी के लिए आप उसको लेके आए हो, ही विल स्टार्ट लूजिंग हिज रिदम, ही विल स्टार्ट, हाँ, वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो थॉट प्रोसेस भूल जाएगा,
then the team members will start dominating him. You know, the writer will start dominating, the DOP will start dominating, editor will start dominating, most of all actors will start dominating. And I have seen that happening. As an actor, I've seen that happening. As a writer, I've seen that happening. And not many people are going to be very understanding that let's not do this because this is making that they just love intimidating anybody. Yeah. They don't draw the line. So I have seen that. And I've it's been like, you know, I started when I was 18 and a half. Mm-hmm. And in this industry with actually a designer, you know, mm-hmm. and he was a graphic designer and he used to make posters. So mm-hmm. I started with that. I started with print. So I was only at 18 and a half at that time. So I think I have almost been 27, 28 years. I've seen so much. In small and big projects, we did Vande Mataram with Bharat Bala in 1997. We made something like 300 short films in 4 months, which was for the 50th year of India's independence. So I was there as a production assistant, as an assistant director and assistant editor. तो मैं अलग अलग किरदार में क्योंकि यहाँ पे ये कर लेना यहाँ पे ये कर लेना भाई ये करना है ये करना है वी डिडंट स्लीप फॉर लाइक 4-5 months द होल क्रू डिड नॉट स्लीप आई कैन बेट यू कैन बी द बेस्ट डायरेक्टर बिकॉज यू नो एवरीवन्स वर्क यू नो सो आई बिलीव सो डायरेक्टर आई बिलीव सो या आई बिलीव आई हैव दैट कॉन्फिडेंस आई हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड और अभी मैंने एक 14 घंटे की डॉक्यूमेंट्री की है which is not out yet. It is on the former Chief Justice of India, Mr. Tirath Singh Thakur. Mm-hmm. And it is India's one of the longest biographical documentary. It is of 14 hours. Aur wo sari script Urdu mein likhi hai. Achha. Sari script. Matlab aisi Urdu Hindustan mein logo ne Pakiza aur Mughal-e-Azam ke baad nahi suni hai. Ya last word must have been Razia Sultan. अगर ऐसी उर्दू की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ ओ बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास क्योंकि ये स्क्रिप्ट है उसकी ये देखिए जी एक तरफ हिंदी में लिखी हुई है उर्दू और एक तरफ उर्दू में उर्दू एंड दिस इज कम्प्लीटली यू नो मैंने जो बॉलीवुड के जो स्क्रिप्ट लिखे हैं वो रोमन उर्दू में लिखे हैं अच्छा। लेकिन अभी हमारी एक फिल्म है मुन्नू उसका मैंने उर्दू में ही स्क्रिप्ट लिखा है उर्दू में ही अच्छा मैं समझ गया हाँ बिल्कुल इस तरह से और एक मेरी फिल्म है मुझे उड़ने दो तो उसका हाँ। स्क्रिप्ट जो है फिर वो इंग्लिश में मैंने लिखा है सारा क्योंकि अच्छा। वो अरबी फिल्म है वो अरबी में है अच्छा हाँ वो मतलब एंड यू गेटिंग एक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वेरियस प्लेसेस इज इट तो उनके समझने के लिए आपने हाँ उसमें मुझे उड़ने दो मैं सब सऊदी एक्टर्स हैं मुन्नू में सब उर्दू बोलने वाले एक्टर्स हैं एनआरआई पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं वो मैंने उर्दू वालों के हूएवर इज तो फिर वो उर्दू उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी हाँ लेकिन जो इंडियन जो उसमें है उनको मैंने रोमन उर्दू में करके दिया है सो हर तरह से एडजस्ट करना है मतलब हाँ बिल्कुल और रोमन उर्दू में थोड़े अल्फाज मतलब समझ में नहीं आते ज और ये ख और वैसे जो अल्फाज है जिनके नीचे नुक्ता लगता है हाँ। तो वो थोड़ा उनको गाइड करना पड़ेगा वो तो गाइड करना ही पड़ेगा जिनकी जिन्हें उर्दू जिनकी उर्दू अच्छी नहीं है उनको तो गाइड करना ही पड़ेगा तो जब मैंने ये 14 घंटे की ये डॉक्यूमेंट्री उठाई थी तब ये एक्चुअली 3-3.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनने वाली थी मगर जब मैं इस सब्जेक्ट में गया तो मुझे लगा कि द जस्टिस वोंट बी डन अनलेस यू नो यू रियली गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट दिस जेंटलमैन द फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया ही इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर जम्मू के एक गांव बटरू से आते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ये अपने वहां के बच्चों जो हैं उनको दिखानी है because it's a complete to a rags to you know a chief justice of india that kind of story
And it is the only story, you know, it's only one of the few families where the father was a judge and the son became chief justice of India. तो मुझे ऐसा लगा कि जस्टिस करने के लिए मुझे उसमें घुसना पड़ेगा और करते करते ये 14 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बन गई. एंड फॉर मी एंड आई हैव टू डू इट इन द सेम टाइम फ्रेम. तीन घंटे के लिए मैंने 9 महीने मांगे थे और मुझे 14 घंटे को भी 9 महीने में करना है. मगर वो फिर किस तरह से, क्या किस तरह से उसको दिखाया जाएगा? अब ये पता नहीं, अब तो ये मैंने तो 14 घंटे की जो है उसे 14 वो कर दिया है, 14 पार्ट्स में बना दिया, 14 एपिसोड में बना दिए. अब वो प्रोड्यूसर जैसा उनको चलाना चाहे वो चलाएंगी राइट नाउ, बट इज ऑल्सो इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द चीफ जस्टिस. तो वो अब दोनों देखें क्या करना, हो सकता है कि वो आए, हो सकता है ना आए, बट इट हैज गिवन मी दैट कॉन्फिडेंस दैट यू नो आई कैन डील विद समथिंग लाइक 14 आवर्स. 14 hours to keep 14 hours of storytelling in your mind and to be occupied with it for like 9.5 months. Yeah, it was that I completed this January, February. Yeah, it all got over. Hard work. So and I had a fantastic team with me, and I think most of my team must be hearing this. So there is Dor Saifi Sahab, jo hamare writer hai. उसके बाद मेरे असिस्टेंट प्रशांत ठाकुर एंड आदिल इब्राहिम, दे वर फैंटास्टिक. प्रफुल श्रीवास्तव वाज माय एडिटर. बिफोर दैट देर वर 2-3 मोर एडिटर्स, रितेश, रवि, एंड सो दे आर ऑल देयर. आई गेस दे आर ऑल, सम ऑफ देम मे बी देयर, सम ऑफ मे नॉट बी देयर. सो आई वुड लाइक टू थैंक अगेन टू द एंटायर टीम फॉर दे बर्न्ड मिडनाइट ऑयल फॉर दिस प्रोजेक्ट विथ मी. They were fantastic. A director cannot do anything without the team, without such a collaborative, cooperative, understanding team. Thank you, Samira, for this opportunity. Achha, yaha, no, of course, हमें हमारी team जो है सबसे पहले उसका शुक्रगुजार होना चाहिए. They are the one जो जिनके साथ everything is a teamwork. That's true. अच्छा, मैंने आपके ये statement पढ़ा as per you कि cinema is life. Seen with eyes wide shut or when seen through dilated pupils. आप इसको define करें, इस statement को. Oh, right. That is the way I look at the, I select stories. Like, either that story, the treatment and the story is with जो ये लोग हम कभी भीड़ में चल रहे हैं, हम ये भीड़ में, मगर कुछ लोगों को दिखता है वो एक गरीब वहां पीछे बैठा हुआ जो है ना, उसके उसका दर्द कुछ किसी को दिखता है. सो यू आर प्यूपिल्स आर डायलेटेड एट दैट टाइम. सभी देख रहे हैं, वो सब उसके आगे पीछे आगे सामने से चले जाते हैं, किसी की नजर उसके अंदर उसके ऊपर नहीं पड़ती और उसके दिल के अंदर नहीं जाती, उसके उसके जहन के अंदर नहीं जाती, उसके दर्द को नहीं समझती. सो ईदर माई फिल्म्स आर अबाउट that where I'm able to see with my pupils dilated, aankh ekdam chaudi meri khuli hui aur main usko bilkul ek gidh ki aankhon se dekh raha hu ki wo kya soch raha hai, wo kaise uske saath kya guzar rahi hai. Aur ya to fir main bilkul imaginative ki agar pani nahi aayega to aisa paseena tapkega aur aise aapki pyaas bujhegi. So that is when with my eyes wide shut. So my films either the way I tell a story is either between these two. Either it is too realistic, which is my first film, the 924 local, where I'm also capturing those feet which are there on the standing from, you know, those people are standing outside. Magar maine sirf unke pair dikhaye, wo khidki pe jo pair. So I'm just capturing reality with those widely opened eyes, or I'm telling the story like that waterfall where I'm just imagining. मैं चाहूंगी कि आप लिंक अगर बता दीजिए ताकि जो ऑडियंस है वो उस फिल्म को देखने के लिए उस तक पहुंच सके. क्या URL है जिसमें वो फिल्म देखी जा सकती? They can go to my YouTube channel, धनंजय कपूर. YouTube channel पे जाकर के वो 924 local, save water, बस दो चार और फिल्में हैं वो देख लें. एंड आपकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट का भी नाम है? राइट, मेरी वेबसाइट है jeans-films.com.
जी हाँ उस पे भी मिल जींस, गए जींस, जी जींस। या ओके, व्हाट इज योर गोल? माय गोल माय गोल इज ऑलवेज टू एक्सपेरिमेंट विद न्यूअर एस्पेक्ट्स ऑफ सिनेमा. आई ऑलवेज फील दैट आई एम लाइक लेट्स मी डिस्कवर सम एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा विच हैज नॉट बीन यू नो बीन एक्सप्लॉइटेड कंप्लीटली. सी गोडार्ड एंड फेलिनी एंड बर्गमैन एंड ऑल दीज फिल्म मेकर्स इन कुरुसावा, इन लोगों ने, सत्यजीत रे ने, इन लोगों ने सब सब एस्पेक्ट्स को बहुत, मतलब सबको हार्नेस किया है. दे हैव बीन अमंग द बेस्ट फिल्म मेकर्स एंड वॉट सिनेमा कुड गिव एंड प्रोवाइड, फ्रिट्ज लैंग वगैरह बहुत सारे. बट एंड एंड स्टिल नाउ देर आर सम ग्रेट फिल्म मेकर्स फ्रॉम ताइवान. There's one great filmmaker I know from Thailand, and but I always try. Let's see which aspect of cinema can I bring. So I've got three different aspects of cinema that I want to bring out. I can share that with you later, because I want to discover those, see those aspects, and I want to bring forth those aspects because they have not been touched. So you know, it would be completely. I'm also working on a theory of cinema. On which I would love to do a thesis with one of these foreign universities. देखें, खुदा हम पर कब मेहरबान होगा, because बहुत सारी बंदिशें हैं हमारी. Family man, you know, I've got two daughters, take care of them. So it's not very easy to study, provide for the family, do your things and stuff like that. But खैर, अब जब उसकी मर्जी होगा तो मर्जी होगी तो कुछ भी हो सकता है. So I want to do that thesis. That is my goal, with this, which is that fantastic aspect of cinema that can actually work very well during this time. आपको लगता है आपकी कोई बेटी में से कोई आपकी तरह मास कम्युनिकेटर बनेगी, फिल्म मेकर और समथिंग? Actually, both my daughters, Vivana and Harshita, they are both sportsmen, and they're both very. They both. One loves to play. Lawn tennis, the younger one, Arshita, and the other one, Vivana, is a swimmer. But Vivana is very good at designing as well. मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था. आई स्टिल प्ले लॉन टेनिस. आई लव प्लेइंग रैकेट, ऑल द रैकेट गेम्स, एंड आई यूज टू प्ले स्नूकर एज वेल. सो शी हैज पिक्ड अप, बोथ माय डॉटर्स हैव पिक्ड अप दैट, एंड हो सकता है Vivana कर ले. Because she's also a thinker. Aha, sahi. So, and she's very good at designing. Mm-hmm. Let's see. There's no pressure on them. There's no pressure on them. कि वो क्या करना चाहे. Because she's also very good at mathematics. वो भी उसने मेरे से ले लिया. She is very very charming like her mother. So, I don't know, but there's no pressure on them, and maybe. अब हर्षिता तो शी इज जस्ट 8, तो शी इज आई कांट टेल मच, बट शी लव्स, शी इज वेरी नॉटी, शी इज वेरी, यू नो, जो छोटे होते हैं बच्चे वो ज्यादा नॉटी होते हैं सिबलिंग्स में, तो शी इज लाइक दैट. सो बट शी लव्स लॉन टेनिस. ओके, एंड व्हाट इज अ बिग लेसन इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में कोई सबक? बिगेस्ट लेसन इन माई लाइफ इज I used to be very arrogant, Samira. Very arrogant. मतलब मेरे अभी भी लगता है मैं arrogant बहुत हूँ. बहुत नहीं लगा. शायद कुछ सुधार हुआ है. I was very arrogant, and I think one should not be arrogant. One should be very humble. Humility has got everything in it. और ये मेरे लिए सबसे बड़ा सबक है, बिकॉज उसने मेरे गुरूर को, उसने मेरे एरोगेंस को, उसने मेरे घमंड को ऊपर वाले ने ऐसा तोड़ा है, मगर फिर भी मुझे जोड़ दिया उसने, क्योंकि मैंने उसके उसकी उसके तमाचे को मैंने एक सबक की तरह लिया. आई डिडंट गेट एंग्री विथ हिम, एंड आई सेड यस आई एम रॉन्ग, एंड आई विल यू नो पे द प्राइस. I was very arrogant. So that is one thing that I would just say, that is one, ये एक चीज है जो,
और खासकर एक आर्टिस्ट को तो बहुत सब बहुत बहुत हम्बल होना चाहिए और दूसरा एक ये है कि समय की कीमत समझनी चाहिए। हाँ। समय बड़ा बनवाल होता है, एवरीथिंग इज टाइम। एक एक मेरे 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 एक उस्ताद हैं उर्दू के उस्ताद जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री भी मेरे साथ लिखी, उन्हीं का ही है। उनकी एक शायरी है, उन्होंने लिखी है, मैं पढ़ता हूं। सबको गुमा है हर दम लड़ता हूं हवा के साथ, सबको गुमा है हरदम लड़ता हूं हवा के साथ, दरअसल मेरी जंग है अपनी अना के साथ। दरअसल मेरी जंग है अपनी अना के साथ। दौर सैफी नाम है इनका और बहुत ही तराशे हुए, मतलब मुझे लगता है मतलब पाकिस्तान से इनके पास लोग आते हैं उर्दू सिखाइए, और इन्होंने साहिर लुधियानवी, इस्मत चुगताई सभी के साथ उन्होंने मतलब बैठ करके शायरियां पढ़ी हैं। मगर एक किस्मत, उनकी बदकिस्मती रही कि वे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, मगर मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि वो मुझे एक उस्ताद की तरह मिल गए और मेरी जुबान इतनी साफ कर दी और इतनी अच्छी उर्दू की हमारी मेरी जो बुनियाद है उन्होंने डाल दी है, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और उनका उनका ये शेर मैंने अभी आपको पढ़ा, दिस अ ट्रिब्यूट टू हिम। और ये जो है ये दरअसल मेरी जंग है अपनी अना के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मिस्टर तुषार यहाँ पर कह रहे हैं कि यू बोथ शुड कोलैबोरेट एंड डू फिल्म टुगेदर। डेफिनेटली मिस्टर तुषार, वो बिल्कुल। या व्हाई नॉट समीरा, आई सी यू सी अ रिफ्लेक्शन इन मी एंड आई सी माय रिफ्लेक्शन इन यू, सो एक और एक 11 हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा हमारा जो ये शो है, ये है स्माइल शो, तो इसमें हम हमेशा एक टास्क देते हैं हमारे गेस्ट को कि वो हमें 3 तरीके से स्माइल करके दिखाएं, और अगर वो एक्टर भी होते हैं तो फिर आसानी हो जाती है। तो अब आप हमें ये तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, आप पहले से ये स्माइल नंबर 1। अच्छा, ये बता दूं, ये बदमाश जो तुषार है ना, ये मेरा भांजा है। अच्छा। सही। ये मेरी, मेरे से 5 साल बड़ी मेरी बहन है, उनका बेटा है ये। ये मेरा भांजा है। एक और भी है, very loving to me. I love him a lot. एक और भी है, love and he is saying also you both should work together. तो अच्छा। हाँ, ये एक और भी कमेंट यही आया है, बिल्कुल। कौन है, कौन है ये? ये है love her by my name. और एक ये कौन है भाई? I don't know. एक अंजू भी है, you yes would love to see a collaboration. अंजू अरोड़ा। Wow. Oh wow. That is good. तो मतलब बहुत सारे दिलों से हमारे लिए ये एक दुआ निकल रही है। Yeah. तो इंशाअल्लाह ये जरूर कब कबूल होगी। And her name is तनीशा. Tanisha. Oh, Tanisha. That's my niece. Uh-huh. Yes. You know, मैं सबका मामा हूँ, ये मेरे भांजे भांजियाँ हैं, and I just love them, I adore them like anything. There is another one by the name Neha, there is another one by the name Shruti, and they just love me like anything, and I just love them. I'm so, so, so lucky to have such a family. Believe me, Samira. It is, and when you come to India, you must meet my family. Yeah, sure. I will. You must come and meet my family. मैं आ जाती अगर ये कोरोना नहीं होता तो मैं आज. Oh yes, oh yes. चले कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है. Yeah. तो हमारा टास्क रह गया, हमारे वो 3 जो है ना, स्माइल नंबर 1. ये दे दी आपको. दूसरी. ये दूसरी. अच्छा, और okay. तीसरी. ये सुनोगे कहा क्या कहते हैं, क्या कहा वाली है, राइट राइट. एक 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 स्माइल ऐसी है जो वो सटायरिकल होती है. I don't know, I mean
इट कम्स विद. अच्छा आप मुझे ये बताइए, मुझे आपको मुझे कौन सी मेरी मेरी कौन सी तस्वीर अच्छी लगी? मैंने आपको बहुत सारी भेजी थी, आपने ये राजपूत वाली तो डाल दी, यही पोस्टर वाली. हाँ ये जो पोस्टर वाली, दूसरी एक मेरी वो पठान वाली है. हाँ जी 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 बिल्कुल, पोस्टर वाली हमें सबसे अच्छी लगी, हम लोग ने वो लगा दी. इस प्रोग्राम के ही सारे. मगर मुझे मुझे इस क्रू कट हेयर में आपको देखकर बड़ा शॉकिंग नहीं लगा कि कहां वो बंदा इतना इतने सारे बाल इतना सब कुछ, एंड लुक एट दिस गाय सो बाल्डी. आप जब एक्टर होते हो तो आपके गेटअप तो चेंज होते हैं, तो दैट्स नॉट सरप्राइजिंग. ओके राइट 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 राइट. और ये हमने कर लिया बिकॉज देयर आर नो सैलून्स व्हिच आर ओपन. या सो आई जस्ट मूव्ड माय ट्रिमर एंड आई डिड इट लाइक अ मंथ एंड अ हाफ बैक. तो आप मिडिल ईस्ट के आपके फैंस, उनके लिए कोई आपका मैसेज है तो जरूर बताएं. यू नो दुनिया में हर काम होता रहेगा, सब चीजें होती रहेंगी. दिन में यार कम से कम 15 मिनट 20 मिनट ऊपर वाले के लिए निकालो. सही. अगर 24 मिनट निकाल लिए ना 24 घंटे में, वो बड़ा खुश हो जाएगा. दैट इज वन थिंग आई वुड टेल एवरीबॉडी फ्रॉम दिस जनरेशन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थैंक द क्रिएटर. दुनिया के सब काम होते रहेंगे अपने अपने समय पर, सब कुछ होना ही है. आपने अपनी ड्यूटीज अटेंड करनी है, उसके बिना आप नहीं रह सकते. बट फाइंड दैट 24 मिनट्स फॉर हिम, 24 मिनट 24 घंटे में निकाल लो उसके लिए. 1 मिनट फॉर एवरी आवर दैट ही गिव्स यू, आई एम टेलिंग यू योर लाइफ विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस. ट्रू. आप देखिए ना जो पांच 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 बार जो नमाज होती है, एक नमाज कितने मिनट की होती है? कितने? 3-3.5 मिनट की. या बिल्कुल 3-3.5. आप देख लीजिए 24 मिनट मिल जाएंगे आपको. ये सारी चीजें जो है ना वो ऐसे मैथमेटिक्स में बन के आई हैं. या वो 24 मिनट होंगे कुल मिला के, आप 24 मिनट ही करते हो. इट इज 1 मिनट फॉर एवरी आवर ऑफ द डे दैट यू थैंक हिम. Yeah. This is all I would like to say. सही. So I should thank you also. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे शो में आए, Smile with Sameera Aziz, और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहटें भी बिखेरी, इतनी प्यारी बातें की आपने. Thank you, Sameera. Thank you, Sameera, for having me on the show. And keep smiling like this. You have a beautiful smile. You have an amazing smile. It's a God-given. Thank you. Smile. And I hope to see. Thank you so much. Thank you. Or take care and stay connected. Yeah. Absolutely, we will stay connected. जी जनाब, तो धनंजय कपूर चलते चलते आपको जो कह गए हैं उसको याद रखिएगा. गिरा में बानिए, arrogant नहीं, humble होके आजिजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी हासिल करते रहें और दाद वसूल करते रहें. और इन अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा उसके लिए हमें सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाइएगा. यूट्यूब पे समीरा अजीज ऑफिशियल पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक, हर जगह हम हैं आपके लिए. और BJM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से ब्रेन बगाडिया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ. स्माइल विद समीरा अजीज शो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे माउन और मददगार रहते हैं. तो जनाब फिर मिलेंगे, फिर आएंगे, तब तक के लिए मा सलामा, बाय बाय.